भाई थर्ड एंगल जाने वाले, कट एंगल जाने वाले AEW में, ऑल इन रेसलिंग में। उनकी रिटर्न डेट भी हो गई ऑफिशियली कंफर्म, और वो $10 मिलियन देने के लिए रेडी है। और जो रैम्पेज होएगा इंडिया में 14 अगस्त को, उसमें आएंगे कट एंगल अपना डेब्यू करने वाले, और $10 मिलियन दे के लड़ेंगे केनी ओमेगा से AEW वर्ल्ड वॉर चैम्पियनशिप के लिए। और क्या वो लड़के बन जाएंगे न्यू AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन? तो भाई अभी रिपोर्ट का यही मानना है, जो कल रिपोर्ट आई थी बता रही थी थर्ड एंगल देने के लिए तैयार है $10 मिलियन, और वो जाने वाले AEW में उनके रैम्पेज शो में, जो उन्हें टोनी सिवानी ने कंफर्म किया। टोनी सिवानी का बताया है कह रहा है कि उनका कौन सा एक अच्छा है प्रियम डे, मतलब एक कौन सा अप्रियम डे, वो भी पेपर व्यू में जो होगा रैम्पेज शो 14 अगस्त इंडिया में, आप बिल्कुल लाइव दे सकते जो कि 14 अगस्त होएगा भाई। तो भाई वो शाम को 6:45 बज के चलेगा यूरोस्पोर्ट पे, तो भाई अच्छा चलेगा, और उनका डेब्यू भी होगा थर्ड एंगल का। और भाई हो भी सकता है दो जनों के डेब्यू बताए जा, जो कि एक थर्ड एंगल भी कर सकते हैं या डेनियल ब्रायन भी कर सकते हैं। डेनियल ब्रायन का बताया जा रहा है 22 सितंबर, और बताया जा रहा है CM Punk का 6 सितंबर ऑल आउट पेपर में, और बताया जा रहा है थर्ड एंगल का रैम्पेज शो में यानी 14 अगस्त को। इन तीनों अपना डेब्यू करने वाले काफ़ी जल्द। अगर ऐसे ही आपको AEW की वीडियो चाहिए तो चैनल को फॉलो करना गाइस मेरे, लाइक करना और शेयर करना दोस्तों के साथ, सबकी मैं अपडेट देता रहता हूँ WWE की, जैसे ऑल इलीट रेसलिंग की सबकी अपडेट यही चैनल पे आपको मिल जाएगी। और एक गेम का भी चैनल है जिस पे गेम भी आती है, वो आपको मिल जाएगा मेरे उस पे वेबसाइट पे, आप जाके चेक कर सकते गाइस। तो भाई थर्ड एंगल जा रहे हैं AEW में भाई, अच्छा है। व्यूअरशिप जैसे हर हफ्ते ला रही है ज़्यादा, जैसे कि ऑल इलीट रेसलिंग ज़्यादा व्यूअरशिप ला रही है हर हफ्ते हर। तो भाई अभी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा क्या होता है क्या नहीं, तो भाई बहुत मजा आएगा। किस वो लड़ेंगे फर्स्ट केनी ओमेगा से, पहले वो बोल रहे थे मैं नहीं दूंगा $10 मिलियन, फिर अभी वो देने के लिए रेडी है $10 मिलियन, और ये भी ऑफिशियली कंफर्म है वो जा रहे हैं AEW में रैम्पेज शो में। तो आपका भाई क्या रिएक्शन रहेगा अगर चले जाते, टॉस और कॉमेंट में बताना रिएक्शन। तो भाई मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।